अगर दोस्तों आपका दिमाग चीजों को जल्दी समझने लगे, आपके अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाए जिसके जरिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन ना रहे। मानो अगर आपके दिमाग की शक्ति 10 गुना बढ़ जाए तब आप कैसा फील करोगे। अगर आपके दिमाग से सारे निगेटिव थॉट्स निकल जाएं और आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रहें और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आएं, तब आप कैसा फील करोगे। दोस्त, हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे माइंड का 10% भाग होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे माइंड का 90% भाग होता है। बट हमको उसका 90% यूज करना आता ही नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में असीम शक्तियाँ होती हैं जिनका हम केवल 10% यूज ही कर पाते हैं और 80% नहीं। तो दोस्त, आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो को आप बीच में से स्किप कर देते हो तो आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जान ही नहीं पाओगे। इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप शांति से और ध्यान से सुने, क्योंकि इस वीडियो में कही गई बातें आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल कर रख देंगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप सुबह जल्दी उठ जाएं या फिर रात को सोने से पहले आप इसको केवल 21 दिन ट्राई कीजिए, फिर देखना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। फिर आपके दिमाग की शक्ति 10 गुना तक बढ़ जाएगी, आपके माइंड की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी लाइफ में फिर इम्पॉसिबल जैसी चीज कोई नहीं रहेगी। जब से लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की पावर के बारे में पता चला है, उसकी असीम शक्तियों के बारे में पता चला है, तब से लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में लगे हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को जान चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है और वो इसे अपने बस में करके क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्त, वैसे तो आपको YouTube पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, बट ये वीडियो सबसे डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम शॉर्ट में एक ऐसी टेक्निक समझाने वाला हूँ जिससे आप अपने किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसे कुछ लोग चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग दिमाग की शक्ति मानते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में दो दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके माइंड को कंट्रोल करने का एक तरीके से कूल मंत्र माना जाता है। ये कुछ ऐसे सीक्रेट थे जो बड़े लोगों को पहले से पता थे, जिन्हें प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से व्यतीत किया गया था और समाज के बीच में इसे एक रहस्य की तरह छिपाकर रखा गया था। माना जाता है कि इसमें इतनी ज्यादा ताकत है जो आपको बहुत ज्यादा सफल बना सकती है या फिर आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतर भी बना सकती है या फिर आपकी लाइफ में नई नई प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। ये दो शब्द हैं मैं हूँ, और ये दो शब्द कोई नॉर्मल शब्द नहीं है। ये दो शब्द बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि आप इन दो शब्दों के बीच में जो भी जोड़ोगे वो आप बन जाओगे। दोस्त, आपने ऐसा पहले भी किया होगा कि इन दो शब्दों के बीच में कोई ऐसा वर्ड लिखो जिससे ये एक पूरी लाइन बन जाए। ऐसा ही ये है, आप इसके बीच में क्या लिखते हैं यह आप पर निर्भर करता है। अगर आपने इसको किसी निगेटिव वर्ड के साथ जोड़ा तो आप दुख और दर्द के सिवा और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी किस्मत खराब है यार, मैं बेकार हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकता, और ये कहने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा उनके पास आ जाती है। उनके माइंड में एक ऐसी निगेटिविटी आ जाती है जो उनके माइंड के पॉजिटिव पार्ट को भी निगेटिव बना देती है। और अगर दोस्त आप इसको सकारात्मकता यानी पॉजिटिव वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो आप वैसा ही प्राप्त करेंगे जैसा आप सोचते हैं। आप वो आसानी से बन जाएंगे जो बनना चाहते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर के साथ लोग आपको यही बोलते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय सुनता रहता है, वो हर समय एक्टिव रहता है। इसीलिए अगर आप अपने मन में निगेटिव थॉट्स लाते हैं तो आपका निगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, फिर आपके माइंड में बारी बारी से निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और आपका माइंड निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा करने के लिए अट्रैक्टिव करता है, ना कि पॉजिटिव चीज़ों को। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों को करने का आदेश देते हैं तो वो वैसे ही करता है, अर्थात आप अपने माइंड से जैसा बोलोगे वो वैसा ही करेगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप सुबह जल्दी उठने के बाद या फिर रात को सोने से पहले दोहरा सकते हैं।
मैं इस बात को 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन्हें फॉलो करने के बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इन वाक्यों को आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, पर आपको ये वाक्य सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही यूज करने हैं। अगर आप इनको अभी ट्राई करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी आंख बंद करनी होगी, फिर इनको ट्राई करना होगा, क्योंकि ये सारे वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाले हैं। और जब आप अपनी आंख बंद करके कुछ वर्ड अपने आप से कहते हैं तो वे वर्ड आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको फॉलो करके काम करता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे आप मेरे साथ दोहरा हो। मैं योग्य हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं एक सफल इंसान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मैं एक बुद्धिमान इंसान हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं रचयिता का एक हिस्सा हूँ, मैं आकर्षक हूँ। ये जो मैंने सारी लाइनें बोली, आप इस पर विश्वास करके आप कुछ दिन इनको ट्राई जरूर कीजिए, पर आपको ये लाइनें कम से कम 21 दिन तक ट्राई करनी है। आप अपने आप से ये लाइनें जितनी देर तक कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। आप अपना एक टाइम फिक्स कर लें कि मुझे सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले इतने टाइम लो ये लाइनें अपने आप से बोलनी हैं। और दोस्त, आप इनको अफर्मेशन भी कह सकते हैं। आप जितनी देर तक ये लाइनें अपने आप से कहोगे, आप उतनी ही ज़्यादा देर तक पॉजिटिव फील करोगे। और दोस्त, एक बात और, जब भी आपको ये लगने लगे कि यार ये काम बहुत ज़्यादा भारी है, ये मुझसे नहीं होगा, तब आप अपनी आंख बंद करके अपने मन में एक बार ये जरूर दोहरा लेना कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, मैं इस बार का बनाया हुआ एक अद्भुत रचयिता हूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ और जो मैं पाना चाहूँ वो मैं पा सकता हूँ। इतना कहने के बाद आप किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना सकते हो, पर आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा और अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर विश्वास करना होगा, तभी आप इन सारी चीज़ों का अनुभव कर पाएंगे। आपका जीवन एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा। इन शब्दों के अनुसार आपकी लाइफ वैसी बनती जाएगी जो आप इन शब्दों के साथ जोड़ोगे। मैं हूँ शब्दों के अनुसार आपकी लाइफ वैसी बनती जाएगी जैसे आप इन शब्दों के साथ जोड़ोगे, क्योंकि इन दो शब्दों में इतनी ज़्यादा ताकत है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। छोटी छोटी चीज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से सीखकर बहुत आगे बढ़ें।